हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अखलाक आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल और नौकरी वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि इसकी सैलरी जो है दोस्तों वो 38,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये तक के बीच में जो 6 पोजीशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं उनको पैसे मिलेंगे दोस्तों, है ना। बस आपसे रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में अगर आप और भी नौकरी वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दो। मेरा मोटिव यह है कि हर मेहनती व्यक्ति जो बेरोजगार है उनको अच्छी नौकरी दिलाऊं, भारत में दिलाऊं या भारत के बाहर दिलाऊं। नौकरी कैसे मिलती है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी वैकेंसी, अच्छे कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको मिलेंगे आप उसके लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यू दोगे और अब नौकरी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं ये सारी सहायता आपको दिन ब दिन प्रोवाइड करता रहूँगा। अब आ जाता हूँ पहली नौकरी पर जो है सऊदी अरब में, ये है दोस्तों ब्रांच मैनेजर की। ब्रांच मैनेजर का काम क्या होता है वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। देखो, जो ब्रांच मैनेजर होता है वो होता है ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द ब्रांच, है ना, ऑपरेशन, एंश्योरिंग क्वालिटी, फूड क्लीनलीनेस, है ना, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर कंप्लेंट्स, ठीक है। दूसरा, वो अपने सीनियर मैनेजरों को रिपोर्ट करता है जो भी उसने काम किया है। तीसरा दोस्तों, ऑर्डर स्टॉक, है ना, कितना ऑर्डर उसके पास है, कितना वो आने वाले दिनों में कंजप्शन उसकी होने वाली है दोस्तों, है ना, और जो भी ऑर्डर पहले आया पहले गया ये सारी चीज़ें उसको यह ध्यान रखनी होती हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों, उसको अपनी ब्रांच का कि ब्रांच सही समय पे ओपन हो रही है और सही समय पे क्लोज हो रही है ना कस्टमर को के लिए, कि टाइमिंग भी ब्रांच मैनेजरों को ध्यान रखनी होती है। उसके बाद दोस्तों, वो सारी अपनी मंथली जो वो काम करता है, वीकली जो वो काम करता है, डेली जो काम करता है ब्रांच मैनेजर, वो अपने सीनियर मैनेजर को बताता है दोस्तों, है ना। और ब्रांच मैनेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम टाइम पर वह सर्वे करता है कि उनकी टीम, उनका स्टोर कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है या नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ताकि वह एक बार खाना खा के, एक बार फूड एंजॉय करके दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, इन सब का सर्वे वह ब्रांच मैनेजर अपने स्टोर में करता है दोस्तों, है ना। और इस ब्रांच मैनेजर की सैलरी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी है 2000 से 2500 सऊदी रियाल, ठीक है दोस्तों। इसको एक अपनी ब्रांच को देखना है और अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है। और यह जो 2000 से 2500 सऊदी रियाल है दोस्तों, ये इंडिया के 38,000 रुपये से लेकर 47,500 रुपये तक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इंसेंटिव वगैरह सब अलग होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अरब देशों में रहना, खाना, आना जाना यह फ्री होता है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, है ना। पॉलिसी इंश्योरेंस भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अलावा आप यह डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें देख लें कि आप लोगों को किन से कॉन्टैक्ट करना है, है ना, कौन सी ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम भेजना है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं दूसरी पोजीशन पर आ जाता हूँ दोस्तों। दूसरी पोजीशन है रेस्टोरेंट स्टोर मैनेजर की। एक है रेस्टोरेंट के ब्रांच मैनेजर, एक है रेस्टोरेंट का स्टोर मैनेजर। देखो दोस्तों, होती तो ये पोजीशन सेम ही है, लेकिन कुछ जगह पर देखो दोस्तों के फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं और कुछ जगह पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं। तो एक व्यक्ति वहाँ काम करता है, एक व्यक्ति दूसरी जगह काम करता है। रेस्टोरेंट स्टोर मैनेजर का काम भी यही होता है, पूरे स्टोर को कैसे हैंडल करना, है ना, पूरे स्टोर की जिम्मेदारी उनकी होती है रेस्टोरेंट मैनेजर की, और वह उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरा स्टोर की सेल को लेकर कैसे पर मंथ प्रॉफिट किया जाए, है ना, कैसे कस्टमरों को सेटिस्फाई किया जाए, कैसे अपनी टीम के साथ ग्रो की जाए, यह सारी रिपोर्ट उसको अपने सीनियर को देनी होती है और एक रेस्टोरेंट को रन करना होता है। दूसरी पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की दोस्तों। असिस्टेंट मैनेजर ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट मैनेजर का राइट हैंड होता है। जब भी रेस्टोरेंट मैनेजर नहीं होता, वह सारे काम असिस्टेंट मैनेजर करता है, और जो काम रेस्टोरेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं वह सारे काम करता है दोस्तों। रेस्टोरेंट मैनेजर के ना होने पर पूरा स्टोर की देखरेख असिस्टेंट मैनेजर को करनी होती है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों शिफ्ट मैनेजर। शिफ्ट मैनेजर की पोस्ट भी सऊदी अरब में निकली है दोस्तों। शिफ्ट मैनेजर का काम है कि अगर असिस्टेंट मैनेजर या रेस्टोरेंट मैनेजर मैनेजर रूम में कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं तो बाहर स्टोर में क्या हो रहा है, है ना, ये सारी चीज़ें दोस्तों शिफ्ट मैनेजर देखता है कि उसकी शिफ्ट अच्छे से रोटेट हो, क्योंकि जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो अंदर इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, बाहर की शिफ्ट देखने के लिए शिफ्ट मैनेजर को रखा जाता है दोस्तों। कस्टमर के साथ अच्छे से वार्तालाप, कस्टमर को हॉट फूड प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, स्टेशन पर पीपल क्रू मेम्बर खड़े हैं या नहीं खड़े, स्टोर की सफाई कैसी है, है ना, स्टोर से रिलेटेड जितने भी एक शिफ्ट से रिलेटेड काम है दोस्तों, वो सारे शिफ्ट मैनेजर को देखने होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट निकली है। रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र का काम होता है दोस्तों
कि जितने भी क्रू ट्रेनर हैं या टीम मेंबर हैं उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम दिया जाए, है ना, किसको किस जगह पर काम के लिए रखा जाए, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर अच्छा है, है ना। स्टोर का ट्रैवल पास ले लेते हैं सुपरवाइज़र, नोट कर लेते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है, और ये अपने असिस्टेंट मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं कि, है ना, स्टोर की स्थिति को बताते हैं कि कितना ऑर्डर करना है, क्या लाना है, कहाँ सफाई की ज़रूरत है, कौन से एरिया के लिए हमें कंप्लेंट लॉक करनी है, है ना, कौन सा एरिया ख़राब है, कोई पेस्ट कंट्रोल की विजिट वगैरह, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज़र देखता है। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों, ब्रांच मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर और रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र, जी हाँ दोस्तों, ये सारी पोजीशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब आता हूँ यूनाइटेड अरब अमीरात में जो नौकरी निकली दोस्तों, ये नौकरी निकली दोस्तों रिसोर्ट इंजीनियर की। जी हाँ दोस्तों, रिसोर्ट इंजीनियर की नौकरी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, एज अ रिसोर्ट इंजीनियर। अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर हैं तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा, है ना, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद इंजीनियर की जो दूसरी बात देखी जाएगी वो यह है कि शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ऑल एरिया ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड मस्ट बी फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री लाइन। जी हाँ, हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और होटल लाइन का तो होना ही चाहिए। और इसकी जो एज क्रिटेरिया है इनका है 25 साल से 35 साल, ये जो रिसोर्ट इंजीनियर है इनका एज है। और जिन लोगों ने इंजीनियरिंग UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के किसी भी होटल में की है उनका तो ये समझ लो कि 90% सिलेक्शन होना तय है दोस्तों, है ना। और इनका फ़ायदा क्या होगा, जो मैंने अभी आपको रिसोर्ट इंजीनियर की पोजीशन के बारे में बताई, इनका इनकी जो सैलरी है वो UAE के हिसाब से 5,000 दिरहम, और 5,000 दिरहम इंडिया के दोस्तों 95,000 रुपीज़ बैठते, जी हाँ, पर मंथ। अगर आप रिसोर्ट इंजीनियर में अप्लाई करना चाहते हो, आपका कोई दोस्त है, आप अभी कर रहे हो इंजीनियरिंग, तो इन जॉबों को पहले प्रेफर दें, आपको 1 मंथ 95,000 मिलेंगे, ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपीज़ अगर आप इंसेंटिव वगैरह ऐड करोगे। और इस रिसोर्ट इंजीनियर का फ़ायदा देखो, सिंगल अकोमोडेशन मिलेगी, अलग से आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, जब भी आपको वेकेशन में आना जाना होगा ईयरली कंपनी आपको टिकट प्रोवाइड करेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली हैं, ईयरली इंसेंटिव आप लोगों को दिया जाएगा जो रिसोर्ट इंजीनियर हैं। तो दोस्तों आप अगर सऊदी अरब में और यूनाइटेड अरब अमीरात में नौकरी करना चाहते हो तो अभी जो मैं आपको नंबर दूंगा, कॉन्टैक्ट दूंगा, ईमेल आईडी दूंगा, उन पर अभी अप्लाई कर दें, अपना रिज्यूम सेंड कर दें, ताकि इन जॉबों के लिए अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपको कॉल बैक कर दे, और फ्यूचर के लिए अगर आपका CV किसी भी जॉब से मैच करता है तो वो आपको कॉल बैक करके इंटरव्यू के लिए बुला लें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अखलाक ऐसे ही आप लोगों को जागरूक और मोटिवेट करता रहूँगा, नौकरियों वाली वीडियोस दिखाता रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।